नमस्कार दोस्तों, एल्युमिनियम आर्ट चैनल पे आपका स्वागत है। मैं जेपी लेकर आया हूँ आपके लिए एसीपी पैनल को लगाने के तरीके को। वैसे तो बहुत सारे तरीके हैं एसीपी पैनल को लगाने के, लेकिन आज मैं एमएस पे लगाने वाले तरीके को लेकर आया हूँ। एल्युमिनियम पैनल जो है वो एमएस और एल्युमिनियम दोनों के फ्रेम पर किया जाता है। वैसे तो ज़्यादातर एल्युमिनियम पैनल जो है एल्युमिनियम के ही फ्रेम पर किया जाता है, लेकिन जो एमएस का फ्रेम होता है वो ज़रूरी तब होता है जब एल्युमिनियम पैनल की डिजाइनिंग जो है वो दीवार से या छत से काफ़ी ओवर हो, तो ऐसे में लोहे का फ्रेम बनाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। जैसे कि आप देख रहे हैं ये पीछे पूरा पैनलिंग हुआ है एमएस पे और ये फ्रेम बना हुआ है। इतना ओवर जो है एल्युमिनियम का फ्रेम नहीं बनाया जा सकता, इसलिए लोहे का फ्रेम बनाया गया है। ये बाहर से कुछ इस तरह दिखेगा। जैसा कि देख रहे हैं आप, बाहर से कुछ इस तरह से दिखता है ये, और बाहर से एल्युमिनियम पैनलिंग की जा चुकी है। तो इस प्रोसेस को, ये पैनलिंग कैसे हुई है ये दिखाने के लिए ही हम आपको ये वीडियो आगे लेकर चलते हैं और दिखाते हैं कि एल्युमिनियम पैनलिंग कैसे की जाती है। Thank you.
तो जैसा कि आप देख रहे हैं एल्युमिनियम पैनलिंग की जा चुकी है एमएस के फ्रेम पे, और ये बाम्बू जो है वो इसलिए लगाए गए हैं ताकि सिलिकॉन जो है वो एल्युमिनियम पैनल और एमएस के बीच में पकड़ बना ले अच्छी तरीके से और सूख जाए, इसके बाद इसको निकाल दिया जाएगा। ये सिर्फ सपोर्ट के लिए है कुछ टाइम के लिए, क्योंकि लोहे में पकड़ जल्दी नहीं आती इसलिए। तो ये था वीडियो एल्युमिनियम पैनलिंग को लेकर, आशा करता हूँ आपको बहुत कुछ सीखने और समझने को मिला होगा। एल्युमिनियम के किसी भी प्रकार के वर्क के बारे में अगर आपको जानकारी चाहिए तो हमारे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कर सकते हैं, हम आपके सवालों की जो है जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें ताकि और भी इंटरेस्टिंग वीडियो हम आपको दे सकें। तो इसी के साथ ये वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद।